एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक खुर्जा में स्थित गोविला रखेड़ा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने सुरेंद्र को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 2200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 25 किलोमीटर ही है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 429 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 157 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 250 विद्युत पोल, 60 ट्रांसफार्मर व 16 लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 2 सीसी टाइल्स रोड, 6 खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य व कूड़ेदान का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 272 इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 आवास व 1 लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 17 प्रधानमंत्री आवास, शमशान घाट, पंचायत घर, सीसी टाइल्स रोड व खड़ंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जी, मैं गोला से ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह, ब्लॉक खुर्जा, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। मेरे गांव में तकरीबन सब कुछ ठीक है, जो भी जैसे पैसा आ रहा है, लेकिन अभी जो कुछ इस साल इस उसमें ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट कहती है कि स्कूल भी इसी से प्रधान रिपेयर कराए, बाउंड्री कराए, नाली खंजा भी कराए, नलों को रिबोर कराए, तो पैसा तो सीमित है। उस पैसे से सारा कहाँ से हो पाएगा? या तो स्कूल का पैसा अलग से कुछ दिया जाए या धनराशि बढ़ के आए। अब नाली खंजा भी है, उनको भी कराना है, क्यों पब्लिक तो पिछले वाले उसको देखिए। पहले ग्राम जिला पंचायत से गाँव के अंदर काम होता था, अभी जिला पंचायत वाले बोल रहे हैं कि गांव में अंदर कोई इंटरलॉक नहीं करा सकते हैं, तो अकेला प्रधान कौन कौन से काम कराएगा? दूसरी बात, हमारे गांव में पेंशनों का बड़ा समस्या आ रही है। ब्लॉक में हम जाते हैं तो एक हमारे पीछे लगा रखी है कि जिस जो विधवा है, विधवा का पुत्र बालिग नहीं होना चाहिए, अलग बालिग पुत्र है तो विधवा की पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे ही पेंशन उसका है वृद्धा का, वृद्धा के लिए बोलते हैं कि बालिग पुत्र नहीं होना चाहिए। अब बालिक पुत्र है तभी तो वो वृद्ध हुए हैं। हर बच्चा तो ऐसा नहीं है कि जो सभी बच्चे माँ बाप को खाना खिला दे, तो जैसे भी है कि जो नकारात्मक पसंद करते हैं। तो वृद्धा पेंशन जो लागू हुई है तो उसको तो वृद्धा जो वृद्ध है उसको दी जानी चाहिए। बाकी हमारे कुछ संपर्क मार्ग हैं गाँव से, जो कि गाँव से एक उसमें दूसरे गाँव बाजार के लिए जोड़ते हैं, गोबला से चिंगरावली वो टूटा पड़ा है बिल्कुल, एक रखेड़ा से चिंगरावली वो ही टूटा पड़ा है, उसमें आना जाना बड़ा दुर्लभ हो जाता है कहीं बाजार बाजार जाने के लिए। तीन हमारे पास संपर्क मार्ग हैं जो कि वो बिल्कुल बेकार है, गोबला से भोरा, गोबला से कलुपरा और गोबला से मारेरा, जो कि दोनों तीनों गाँव का आपस में आने जाने का कोई इसमें साधन नहीं है। मनरेगा काम पहले काफ़ी चलता था, अभी काफ़ी दिन से बंद है। पेमेंट भी टाइम जो काम करते हैं उसमें उनका पेमेंट भी टाइम से नहीं पड़ता। अभी उसमें जिला पंचायत से बातचीत हुई, हमारे जो सदस्य हैं जिला पंचायत से बोलते हैं वो हमारे अभी गांव के अंदर काम नहीं देंगे, आदेश हो गया कि गांव से बाहर करा सकते हैं। तो कहीं तो कोई काम होना चाहिए, अकेला खाली प्रधान के बजट से जो पैसा आता है उससे कितना कितना काम होगा? या तो स्कूल की बाउंड्री करा लो या फिर गाँव में नाली खर्चा करा लो। हैंडपम्प भी प्रधानों के पास दे दिए, जो कि पहले जल निगम से पैसा आता, अब जल निगम उसमें अब तीन हमारे कितने तीन नल रिबोर हुए ना, तीन नल रिबोर हो चुके हैं और अभी दो हैं, तीन बाकी हैं, तीन नल रिबोर हमारे होने बाकी है। वो 4400-4500 रुपये सरिया मिलता है हमें और यहाँ ये गवर्नमेंट दे रही है 3500 रुपये, बताओ कैसे हो पाएगा इसमें काम? तो मेरा यही है निवेदन, अगर जो भी है रेट जो हाल के रेट है उस हिसाब से अपना निकालना चाहिए। और अगर ग्राम प्रधान को सारे काम है तो उसका या तो फिर कोई ऐसा हिसाब बनाया जाए कि जो भाई इतना पैसा है, या तो वो काम पहले लिख के दे ग्राम प्रधान, खाली उस बजट को बना रहे ग्राम प्रधान जो कार्य योजना दे रहा है उस कार्य योजना के हिसाब से पैसा भेजा जाए। एक ही निवेदन है, अगर मान लो ग्राम प्रधान को पछोड़ा जा रहा है तो
तो ग्राम प्रधान जब सर्वसम्मति से गांव के स्कूली बैठक में जो लिखा जा रहा है, जो भी कार्य लिखा जा रहा है, जो कार्य होना है, उसके हिसाब से फिर वो योजना आगे जाए, ब्लॉक से जिले में जाए, जिले से जैसे जाए, उसका पैसा उसी हिसाब से भेजा जाए इस गाँव में कितना काम है। आबादी के ऊपर पैसा भेजने से तो फिर थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, उतना पैसा रहेगा तो काम पूरा नहीं हो पाएगा।